हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह के बज गए हैं 5 और हमने लगाई है मशीन और हम दोनों धोएंगे कपड़े। पानी वगैरह भर लिया है और सुबह 5 बजे का मौसम देखिए। और ये देखिए हमारे पेड़ पौधे, और ये हम धोएंगे दोनों कपड़े अब। और ये पौधों वगैरह में पानी देंगे। सोमवीर जी हेलो। ये देखिए, ये दे रहे हैं पौधों में पानी। और सुबह का मौसम ना बहुत बहुत ठंडा ठंडा सा है, फिर यहाँ पर ना बहुत धूप आ जाती है, इसीलिए मैं सुबह 5 बजे ही मशीन लगाती हूँ जल्दी से। और ये तब तक देंगे पौधों में पानी। चलिए मैं बना लेती हूँ चाय, और कपड़े हमारे धुली रहे हैं। ये मशीन तो मैंने लगाई दी थी, पानी वगैरह भर जाएंगे। चलिए बनाते हैं चाय। बन रही है हमारी चाय। अभी देखिए किचन बिल्कुल है साफ। और आज हम बनाएंगे दाल मखनी, तो मैंने दाल सुबह ही भिगो दी है। चलिए अब देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। देखिए अन्नी और ऋतिका सो रहे हैं। चलिए बाहर चलते हैं। देखिए ये देंगे पौधों में तसल्ली से पानी। और ये कर रहे हैं, यहाँ पर ना रात को धूल मिट्टी आ जाती है हवा से, तो उसको साफ कर रहे हैं पहले। और ये रात को मैंने जमाई थी दही, देखते हैं जाएंगी। इसको लेके चलते हैं और फ्रिज में रखते हैं। और देखते हैं चाय बन गई क्या। ये चाय हमारी उबल गई है। अब इसमें मैं डालूंगी मीठा, और मीठे में हम लेते हैं खांड। और इसमें डालूंगी मैं इलायची पाउडर। गर्मी में ना अदरक नहीं लेते, तो इलायची डाल देती हूँ। और ये यहाँ पर मैं निचोड़ रही थी कपड़ों को, और ये मशीन से निकालेंगे और मैं कपड़े निचोड़ूंगी। दोनों इकट्ठे ही धोते हैं हम। ये मेरे को अकेले ना काम नहीं करने देते, कोई भी काम हम साथ में ही करते हैं। ये देखिए अब ले आई हूँ मैं चाय, अब पियेंगे हम सुबह की चाय। और ये ना हमारे कपड़े जल्दी धुल गए थे, 7:30-8 बजे तक लास्ट कपड़े धुल गए थे। और अब हम चाय पियेंगे पहले। और ये देखिए अब कपड़े सुखा दिए, सुखाने लग रहे दोनों। और ये मैं हमारे सारे कपड़े धुल गए थे अब यहाँ पे। अब इस कपड़ों को सुखा के अब यहाँ से वाइपर वगैरह कर देंगे। और हमारा देखो सुबह सुबह सारा कपड़ों वगैरह का काम निमट गया है, अब आराम से करेंगे किचन का काम। देखिए मशीन वगैरह उठा दी है, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, और ये सुखा भी दिए हैं यहाँ पे सारे। और ये लग रहे हैं सोमवीर जी,
ये यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, और ये है हमारे बाहर पौधे। ये गिया की बेल है और ये ना तरबूज की बेल है। और देखो मैं आपको इन पर तरबूज लगे हुए दिखा रही हूँ, देखो ये देखो छोटे छोटे तरबूज लग रहे हैं, ये पता नहीं बड़े होंगे या नहीं। देखो ये यहाँ पर इतना बड़ा हो चुका है, इसको मैं यहाँ सपोर्ट रख देती हूँ, इसमें ही हो जाएगा। ये देखो बहुत सारे हैं। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर, खोआ निकाल रही थी, इसके बनाऊंगी मैं खोए के लड्डू या फिर पेड़े। और ये देखिए बिल्कुल निकलने वाला है, और ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, और देखिए थाली पे भी नीचे पक रहा है बिल्कुल। अब इसमें मैं मिलाऊंगी खांड, और ये देखिए इसका ये बन गया है ऐसे दो। अब मैं बनाऊंगी इसके पेड़े, जितने आपको बनाने हो ना छोटे छोटे। थोड़े से इस तरह के बना दिए, थोड़े से ये गोल बना दिए, ये हमारे पेड़े। लो आप भी खा लो, आ जाओ। और ये मैं निकाल रही हूँ मलाई से घी, राजी मक्खन बना दिया है, दाल मखनी बनाएंगे उसमें डालेंगे, और अन्नी को मक्खन पसंद है इसलिए भी। और रीति का छोके की दाल, और ये हो गया है रेडी दाल मखनी का छोक। और ये हो गया हमारा लंच तैयार, और इसमें है दाल मखनी, चावल, दही, रोटी और सलाद, खीरे की और काकड़ी की। और आइए आप भी कर लीजिए। और ये बन रही है अब दोपहर की चाय, और ये रीतिका बना रही है, दोपहर में वही बनाती है। और मैं लेट गई थी क्योंकि मैं थक गई थी, सुबह 4:30 बजे उठी थी, मशीन वगैरह लगाई थी, कपड़े वगैरह धोए थे, और अब हम पियेंगे चाय। पापा और हनी देख रहे हैं टीवी, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। क्या कर रहे हो मम्मी? घी निकाल लिया बेटी, छानूंगी इसने, घी निकाल लिया बेटी इसने छानूंगी। ये बन गया हमारा देसी घी। ये देखिए इतना सारा घी निकल गया इसमें, और ये ना मलाई 10 दिन की थी, ये एक डोली भर गई इसमें। और देखो बिल्कुल प्योर है, देखो कितना साफ घी है। और ना इसका इसके भी मैं लड्डू बनाऊंगी, ये भी खोआ है, इसमें बहुत सारा घी रह जाता है, बाद में मीठा मिला के इसके बनाऊंगी मैं लड्डू। अब के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, बाय।